अब अगर आप टैरो स्पेल्स की बात करें तो टैरो स्पेल्स के भी कुछ एथिक्स होते हैं। हमने जब टैरो किया था तो हमने टैरो के भी एथिक्स डिस्कस किए थे। लेट्स नो अबाउट टैरो स्पेल एथिक्स। हम लोग प्लांट कर सकते हैं सजेशंस को टू गेट अदर्स टू रिएक्ट फेवरेबली टुवर्ड्स अस, लेकिन हम उनको अपने स्लेव्स नहीं बना सकते। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पेल जो है किसी तरीके का वशीकरण या काला जादू है। तो स्पेल इज नॉट ब्लैक मैजिक, ये कोई भी वशीकरण या कोई भी काला जादू नहीं है। इससे क्या होता है कि आप इतना पॉजिटिव अफर्म कर लेते हो, इतना पॉजिटिव आप विजुअलाइज कर लेते हो कि एनर्जीज आपकी ओर जो आती हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव होने लग जाती हैं। तो आप एनर्जीज को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो, लेकिन आप किसी को भी अपने अंडर नहीं कर सकते। फिर ये स्पेल्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कोई ऐसी सुपर पावर आ गई कि आपके हाथ में एक अपर एज है जिससे कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको। यू कैन नॉट, ये कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हर कर्म का एक ना एक इफेक्ट होता ही है, एक ना एक फल होता ही है। तो ये एक ऐसी नॉलेज है जो आप लेंगे और जिसके डूज एंड डोंट्स जानने के बाद आप इसे अप्लाई करेंगे। फिर थॉट्स हैव वाइब्रेशंस। वैसे ही आपके मेंटल इन्फ्लुएंसेस, मेंटल स्टेट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके आसपास के एनर्जी फील्ड को। अगर आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा यू अट्रैक्ट पीपल अराउंड यू। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, हम सभी ने वो तो महसूस किया ही होगा अपने आसपास। आप किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखिए, किसी छोटे बच्चे को, जब वो मुस्कुराता है उसको अभी दीन दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में और उसकी मेंटल स्टेट में वो सच्चाई और वो पॉजिटिव एनर्जी है कि वो हर किसी को इन्फ्लुएंस कर लेता है। आप भी देखेंगे तो आप बेशक नहीं जानते ऐसे इंसान को, लेकिन आप उसे देख के स्माइल जरूर करेंगे, है ना? तो दैट इज हाउ एनर्जी फील्ड वर्क्स। और कई बारी जैसे लोग नेगेटिव या हार्मफुल स्पेल्स अगर यूज करते हैं तो वो नेगेटिव इमोशंस देते हैं। ये इमोशंस आपको जकड़ सकते हैं और एक मैग्नेटिक वे में आपकी ओर बुराई को खींच सकते हैं। तो हम इसलिए नेगेटिव स्पेल्स पे काम नहीं करते। फिर अमंग स्पिरिचुअल पीपल दिस इज अ कॉमन बिलीफ कि सारे इंडिविजुअल्स का एक हायर सेल्फ होता है, हम सबका है। और जब हम टैरो रीडिंग भी करते हैं तो हम उनके हायर सेल्फ से परमिशन लेते हैं, या सोल सेल्फ जिसे कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि वो अंश जो डिवाइन का है हम सबके अंदर, विच इज आर सोल, ठीक है? या आपकी जो गार्जियन पावर है जो आपको कनेक्ट करती है डिवाइन एनर्जीज से, जिससे कि आप अच्छाई की ओर आ सके और आपके भले के बारे में सोचती है वो सोर्स। तो ये सभी के साथ जुड़े होते हैं। तो ये मानना है कि हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं और हम सबको उस स्पेस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और स्पेल्स का एक और एथिक है कि जब तक आपका पर्पस नहीं हो जाता, आप वो लेआउट उसी जगह पे छोड़ सकते हैं अगर आप कन्वीनियंट हैं। और अगर आप इसमें और पावर रीइन्फोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कार्ड अरेंजमेंट के बाद एक पॉज ले सकते हैं, ठीक है, कुछ मोमेंट के लिए हर दिन पे। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप कैंडल जलाएं, आप अगरबत्ती या धूप जलाएं, और आप हर कार्ड के सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करके उसी से आप स्पेल करें। और अगर आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं तो लोग कहते हैं कि हम कैसे कार्ड्स वहां छोड़े मैम, तो कोई बात नहीं है, आप कार्ड्स मत छोड़िए, आप सब कुछ वहां से साफ कर लीजिए,
नेक्स्ट डे जब आप करें तो वापस वहीं पे बिछा लीजिएगा। बस ये ध्यान रखें कि जितनी देर आप मेडिटेट कर रहे हो उतनी देर वो लेआउट आपका एज इट इज होना चाहिए। अब जब आप स्पेल परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आप उसी एनर्जी में जीते जाएंगे। नहीं तो, एक बारी आपने स्पेल परफॉर्म किया तो आप उस एनर्जी से खुद को कट कर लीजिए और उसके बाद आप अपना काम करते रहिए। फिर मैजिक वैसे सबसे बढ़िया काम करता है जब आप उसे अनकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल पावर्स को दे देते हैं। तो कई लोग जैसे है उनका टाइम रहता है वो या तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं स्पेल्स या वो लेट इवनिंग करते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि उसके बाद उनका सबकॉन्शियस टेक्स ओवर। फिर अगर आप चाहें तो आप अपने कार्ड्स को एक्सेसरी की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने ब्रीफ केस में कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं, और आप कुछ नए कार्ड्स एक पर्पस के लिए रख सकते हैं अलग से, और उसे आप फिर क्लेंस कैसे करेंगे उन कार्ड्स को आप मूनलाइट में रख के और उसे फिर साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। और अगर आपके कार्ड्स प्लास्टिक कोटेड हैं तो फिर आप उन्हें हल्का सा गीला कपड़ा लेके उससे पोंछ सकते हैं। टैरो स्पेल परफॉर्म करना ये जरूरी नहीं है कि एक रिचुअल है। ये क्या है, सिंपली आप कार्ड्स को उस तरीके से लगाइए जैसे आपको लेआउट दिखाया जाएगा और फिर आपको मेडिटेट करना है। कई लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहता है क्योंकि वो इसे मैजिक की तरह यूज करते हैं। फिर ये आपको एक फॉर्मेट देता है कि इस फॉर्मेट में कार्ड्स ले होंगे। सपोज आप किसी भी चीज का लेआउट ले लें तो आपको बताया जाएगा कि ये कार्ड ऐसे प्लेस करना है, इसके नीचे ये वाला कार्ड आएगा या इसके लेफ्ट ये आएगा, राइट ये आएगा, तो आपको पूरा लेआउट दिया जाएगा। आपको उसी तरह से करना है। और कई बारी क्या होता है, लोग अपना रिचुअल खुद परफॉर्म करने लग जाते हैं ये जानने के बाद कि इस कार्ड का महत्व क्या है। तो उस केस में क्या रहता है कि आप अपना लेआउट खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग भी करते हैं कई बारी, और जब आप कार्ड्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होती, आप लेआउट खुद से लगा के विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सब कुछ लर्न करना है, नहीं वो नहीं रहेगा। हाँ, लेआउट स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि लेआउट देख के लगाना है, उसके बाद क्या होगा कि आप इतना अवेयर हो जाओगे कि आप खुद के लेआउट्स भी डिजाइन कर पाओगे। फिर कुछ टाइम जब स्पेशली आप स्पेल कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और आप आराम से ग्राउंड होके, शील्ड होके, खुद की क्लेंजिंग करके और कुछ ऐसे कपड़े पहने जो आपको फ्री महसूस कराए। बहुत टाइट मत पहने, बिकॉज इट शुड हेल्प यू टू फील लाइट। और फिर आपको एक फ्लैट सरफेस क्लीन करना होगा, उसी को आप यूज करें अपने ऑल्टर के लिए उस समय, और आप वहां पे अनडिस्टर्ब वे में अपना स्पेल कैरी ऑन करें। ये बेसिक एथिक्स हैं जब हम करते हैं अपना टैरो स्पेल। हम्म।